खरगोन में लॉकडाउन के दौरान ईद के दिन सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल देखने को मिली है। बीमार 50 वर्षीय हम्बाली करने वाले हिंदू नथिया की मौत हो गई थी। इस दौरान मुसलमानों ने कंधा देकर गरीब का चंदा कर अंतिम संस्कार करवाया है। आनंद नगर निवासी नथिया की बीमारी के चलते मौत हुई है। हम्बाली का यह काम करता था। कोरोना आपदा के दौरान रिश्तेदारों का महाराष्ट्र से आना संभव नहीं था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। खास बात यह रही कि हिंदू परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने वाले बेटे के बाल तक कोरोना काल में काटे। तो वहीं सांप्रदायिक सौहार्दता का यह वीडियो है जो अब जमकर वायरल हो रहा है। सच में मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर करना। विपरीत परिस्थितियों में हम सभी एक दूसरे के साथी हैं। जी जाकर की था आपस में बैर करना, ये बात बिल्कुल फिर से सामने आई है। पूरी कहानी बतलाएं आखिरकार क्या हुआ वहाँ पर। यह महाराष्ट्र के रहने वाले नथुराम थे जो तकरीबन 20 साल से खरगोन में मजदूरी कर रहे थे। बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई थी। तो परिजन वगैरह जो थे वो आने में यहाँ पर आने में मतलब उनको रोक थी, इसलिए यहाँ के मुस्लिम नवयुवकों ने जो उनके आस पड़ोस के लोग रहने वाले थे उन्होंने अर्थी को कांधा देकर मुक्ति धाम तक लेके गए और वहां पर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ईद का त्योहार था और उस दिन इस तरीके की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश होती है। ये तो देखने में आया कि मुस्लिम के समाज जनों ने हिंदू व्यक्ति की अर्थी को कंधा देकर ये दिखा दिया कि मजहब से बड़ा कोई इंसानियत का धर्म नहीं होता है। यहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति की अर्थी को कांधा देकर खरगोन शहर में इनकी जिस तरीके से वाहवाही हो रही है कि एक मजहब आपस में किसी को बैर करना नहीं सिखाता, और इसी तरीके से सारे सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों की सराहना की जा रही है मुस्लिम समाज की। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।